नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। मैं फिर आ गया हूं आपकी ज़िंदगी बनाने, आपके ज़िंदगी में छोटे छोटे टिप्स दे करके आपको आगे बढ़ाने के लिए। एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जिसे गर्भ गौरी रुद्राक्ष बोलते हैं। संतान तो सभी चाहते हैं, अच्छी संतान सभी चाहते हैं। कई बार संतान उत्पन्न करने में बाधाएं आती हैं, बच्चे होते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को संतान ही नहीं होती, परेशान रहते हैं। कई बार संतान हो भी जाए तो संतान का सुख संतान देती ही नहीं। संतान होकर भी बिगड़ जाए, भटक जाए, असफल हो जाए तो कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है। कहते हैं पुण्य कर्मों से ही अच्छी संतान मिलती है। पिछले जन्म के आपने पुण्य किया हो ना, तब आपको अच्छी संतान मिलेगी। उचित फल जो है संतान का तभी मिलेगा, उत्तम फल उत्तम संतान तभी मिलेगी जब जीवन में पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों का भला करेंगे। माता पिता का तो जीवन ही सफल हो जाता है अगर संतान अच्छी है तो। माता पिता का भी भविष्य उज्जवल हो जाता है, संतान का तो होता ही है। अच्छी संतान भगवान सबको दे। संतान ना हो या संतान अच्छी ना हो, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, पिछले जन्म के पाप कर्म हो, कुंडली में पितृ दोष हो, या पंचम भाव कुंडली का संतान का होता है, उसका स्वामी ग्रह या वहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा हो, या गुरु ग्रह कमज़ोर हो कुंडली में, या पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर हो, महिला की कुंडली में गुरु कमज़ोर हो, पुरुष की कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो, या आपने पाप कर्मों से बहुत सारा धन कमा लिया हो, पराया धन जमीन मकान गलत तरीके से हड़प लिया हो, पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र डाली हो, आपका स्वभाव धार्मिक ना हो, दूसरों को दुख और कष्ट आप पहुंचाते हो, लोगों से छीनते हो, अगर ऐसा करेंगे तो आपको उत्तम संतान नहीं मिलेगी। इसलिए इन सब पापों से बच के रहना चाहिए। तो ये तो आप अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन आखिर अच्छी संतान कैसे पैदा हो? गर्भ गौरी रुद्राक्ष मिलता है, उसे धारण करें। ये क्या होता है, दो रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं, चार पांच छह मुखी कोई जुड़े हुए रुद्राक्ष होंगे, इसे गर्भ गौरी रुद्राक्ष बोलते हैं। बड़ा रुद्राक्ष माँ पार्वती होती है, छोटे रुद्राक्ष के रूप में उनके पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी होते हैं। इनको धारण करने से माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी संतान बाधा दूर हो जाती है, संतान आपको मिल जाती है। और अगर ग्रह बाधा है, पितृदोष की बाधा है, तो इसकी पूजा पाठ करा के आप दूर कर लें, अच्छी संतान मिलती है। और बिगड़ी हुई संतान को भी सुधारने के लिए पूजा पाठ करना चाहिए, दान वान करना चाहिए, पूजा कराकर लाल धागे में सोमवार को, गुरुवार को या शुक्रवार को गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कर लें। उत्तम संतान के लिए क्या करें? कुंडली दिखाकर स्त्री पुखराज या पुरुष ओपल रतन धारण करें। पितृदोष की पूजा आपने कराई होगी, करा लें। बुरी आदतें छोड़कर पूजा पाठ करें, पराई स्त्रियों का सम्मान करें, अपने पति या पत्नी का भी सम्मान करें, क्लेश ना करें घर में, प्यार से वातावरण घर में बना के रखें, माता पिता का अपमान ना करें बल्कि उनकी सेवा करें, हर माह धन अनाज फल का दान करें, दूसरों को धन मकान और जमीन ना हड़पें, दूसरों की जमीन दूसरों का धन दे के लालच ना करें, उनको ना हड़प लें, अपने बच्चों को ना सताएं ना अपमानित करें, बच्चों को भी सम्मान दो। तो इस तरह से आपकी संतान उत्तम होगी, आपका नाम रोशन करेगी और आप प्रसन्न हो जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने अच्छे अच्छे फायदेमंद टिप्सों को, उपायों को। अब आपको अच्छी संतान मिलेगी, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर आऊँगा आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए अच्छे अच्छे टिप्स लेकर के, नई नई बातें लेकर के। आज के लिए यही, अलविदा, नमस्कार।